Assalamu alaikum class 9, welcome to your online class from the Progenitor School. Here we are going to start a new topic that's called unit number 4.1, pre-reading. Do you know what's the meaning of pre-reading? Pre-reading, it means that when we do something extra, जब आपको कोई टॉपिक असाइन किया जाए या फिर आपके पास आउटलाइन पहले से मौजूद होती है और उस आउटलाइन को आप पढ़ते हो, आपको पता है कि कल सर हमें ये पढ़ाएंगे, तो उस टॉपिक को आप पहले से प्री रीडिंग करके आते हो। फिर वो प्री रीडिंग आपकी नेट से हो सकती है, आपके नोट्स में से हो सकती है, आपका जो बुक है स्पेशली उस बुक में से भी हो सकती है कि ये टॉपिक कहता है क्या। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल प्री रीडिंग। फाइन, इन दैट देयर इज़ अ टेक्स्ट रिटन दैट देयर इज़ अ टॉपिक अ विजनरी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विजनरी? The word visionary shows person. The word visionary shows the person. कहता है कि एक शख्स है, एक इंसान है, and he possesses all the things. जब भी वो कुछ करता है तो उसके साथ एक सोचने की सलाहियत रखता है। जैसे कि इसके अंदर ये चंद वर्ड्स लिखे हैं हमने, जैसे कि inspiration, focus on team work, interest and need, clear God. Clear goals. So there must be as clear goals and good examples, vision, clear communication. What are these words are written and why it's showing that? Like it shows that visionary, it means a person which thinks about future or plan to do something. या फिर वो क्या करता है कि plan करता है कुछ भी काम करने का। जैसे कि हमारे पास अगर हमारा फ्यूचर है तो हम सोचते हैं पहले से कि यार मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा या फिर मैं इंजीनियरिंग करूंगा या मेडिकल में जाऊंगा, मुझे ये इन चीज़ों की एफर्ट्स लेनी पड़ेगी, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा और मैं कैसे कितने घंटे डेली बेसिस पर हमें स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कोई CSS पास करना चाहता है, उसका एक माइंड होता है कम से कम भी 10-12 घंटे में डेली बेसिस पर डे मुझे पढ़ना चाहिए। अब ये क्या है? दिस इज़ का अ विजनरी, कि हमने इमेजिनेशन करना है, कि सोचना है कि कौन सा टॉपिक किस स्टडी को, किस प्लान को, किस फ्यूचर को कैसे लेकर चलना है। जो हम प्री प्लानिंग कर देते हैं हमारे माइंड के अंदर, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी। लेकिन उसके अंदर बीइंग ए इमेजिनरी लीडर होने के लिए हमारे पास ये जो चंद मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इट प्लेस अ पिवोटल रोल, वाइटल रोल इन दैट, बिकॉज विदाउट दीज वर्ड्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लाइक हाउ कैन वी मेक इट। लाइक हियर इज इंस्पायरेशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंस्पायरेशन? कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, देयर मस्ट बी एनी वन पर्सन इन योर लाइफ दैट व्हिच कैन जस्ट इंस्पायर यू, जो आपको इंस्पायर करे, जिससे आप बहुत सहमत हो, जिससे आप बहुत इंस्पायरेशन मिलता हो। समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसे कि आप कासिम अली शाह को ले लें, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक्स हिम एज इंस्पायरेशन टीचर, कि वो हमें बताता है कि किस वेज को, किस मसले को, किस तरह से हमें मसाइल को हमें सॉल्व करना है और बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन, जो लेक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास हमेशा मोटिवेशन इंस्पायर पर्सनैलिटीज कहलाती हैं। तो इट मींस के विजनरी होने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन का सबब बन जाए। तो लोग आपको देखकर कम कॉपी करेंगे, यार ऐसे मुझे बनना है, ऐसे करना है। दिस इज कॉल्ड इट रिप्लेस पिवोटल रोल, एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है कि इंस्पायरेशन होने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि विजनरी एक लीडर होता है, वो लीडर क्या करता है, वो एक बंदा नहीं होता। लीडर मींस इट टॉक्स विद अ ग्रुप ऑफ द पीपल, वो ग्रुप होता है लोगों का, उनको लेकर साथ चलता है। फोकस ऑन टीम वर्क, इंटरेस्ट एंड नीड्स। ऐसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द हेड ऑफ माई अकेडमी, अगर मैं अपनी अकेडमी का हेड हूँ और मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के 20 टीचर्स का स्टाफ है, 20 टीचर्स हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं, लेकिन मुझे ये देखना भी ज़रूरी है कि उनका फोकस क्या है। ऐसे नहीं कि अगर बायो का टीचर मेरे पास है बिलफर्स और बायो से मैं कहूँगा आप मैथमेटिक्स पढ़ाओ, ऑब्वियसली ये ऐसे थोड़ी होगा। जो जिसकी एक्सपर्टीज होंगी तो उसमें हम उसको स्पेशलिस्ट जो होगा सब्जेक्ट का वही हम उसे देंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टीम वर्क का होना ज़रूरी है, टीम वर्क, उसके साथ उसका इंटरेस्ट है। हमें यह भी देखना पड़ेगा अगर ये बंदा है जो बायो का टीचर है, उसे मैं बायो ही दूंगा, जाहिर सी बात है कि उसका इंटरेस्ट बढ़े कि मुझे पढ़ाना कैसे। अगर मैं किसी और सब्जेक्ट का उसे दूंगा, ऑब्वियसली ही वुड नॉट बी
एज गुड एज हिज इन बायो, जैसे बायो में वो एक अच्छा होगा पढ़ाने के दौरान, तो किसी और सब्जेक्ट में वो नहीं हो सकता। तो हमें उसकी नीड्स भी देखनी पड़ेंगी, और ना कि सिर्फ ये, लेकिन अकॉर्डिंग वाइल टीचिंग इन बायो और केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल और फिजिक्स, सो अब हमारे पास फिर वो एक लैब भी बनी हुई होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमें इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए, टूल्स कौन से चाहिए। अगर वो हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो इतना इंस्पायरेशन नहीं मिलेगी आपको, आपका टीम वर्क इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके ग्रुप के लिए। सो अगर हमारे पास टीम वर्क है और टीम वर्क के साथ अगर हमारे पास उनकी उनका इंटरेस्ट और स्पेशली नीड्स पर हम ज़्यादा फोकस करें, सो देयर वुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर एनी ग्रुप होम यू आर टीचिंग और होम यू आर लर्निंग। फाइन, आफ्टर दिस क्लियर गोल्स, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा हमारे यहाँ स्पेशली क्या होता है कि ग्रेजुएशन हम कर लेते हैं, मास्टर पास कर लेते हैं, वी आर ग्रेजुएटेड एंड मास्टर पास, बट एक्चुअली इवन दो वी आर अनएबल टू डिसाइड कि व्हाट आई एम टू डू दैट, मुझे करना है क्या मुझे नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरी फर्स्ट डे आपको माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई गोल्स मेरा क्या है, मेरी मंजिल क्या है और उसको मैं मुझे पाना कैसे है, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। दिस इज गुड टू डू दैट। और गुड एग्जाम्पल्स, गुड एग्जाम्पल्स लव्स यहाँ पे ये शो करेगा कि जो आपका गोल अगर आपका क्लियर है ना, तो उसके साथ फिर आप देखेंगे मेरे गोल के हिसाब से कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं, कौन से बुक्स हैं जो मेरे लिए बेहतरीन गाइड बनते हैं, तो उनकी स्टडी में ज़रूर करूँ, गुड एग्जाम्पल्स मेरे लिए क्रिएट हों, मेरे इमेजिनेशन पावर को और इनहेंस करें, एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। विजन लव्स, विजन शोस अ वर्ल्ड विजन, इट मीन्स दैट अकल जहन हमारी सोच थिंकिंग वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। फाइन, इन दैट क्लियर कम्युनिकेशन, ऐसे नहीं कि हम अमूमन क्या करते हैं कि हमें वी आर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड एट, हम कम्युनिकेशन स्किल्स में गुड एट नहीं होते, तो हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर मैं किसी से बात करूं तो मुझे किसी ना जिससे भी बात करूं उसको कन्विंस करना आए, मुझे आमादा करना आए। एंड आई ये अगर स्पीकिंग स्किल्स आपके पास नहीं होंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होंगे, देन यू हाउ कुड यू डू दैट, आप उसको कर ही नहीं सकते। और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए इट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो गोल है उसके अंदर आपके सोर्सेस कौन सी बनेंगी, सोर्सेस क्या क्या बनाएंगे, उस सोर्सेस को कैसे लेकर चलना है, उसको आप कैसे अप्रूव करेंगे, हाउ वुड यू गेट टू देम, उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपेक्ट्स द बेस्ट, और करें कभी भी ना उम्मीद नहीं रखनी आपको, हमेशा यू हैव टू टेक द बेस्ट एग्जाम्पल्स, और हमेशा कोई इशू नहीं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं होते पास अपने गोल में, सेकेंड में नहीं हो रहे, तीसरे में नहीं हो रहे, चौथे में नहीं हो रहे, तो लेकिन दो यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, आप क्या करेंगे, जो गिव अप है ना वो नहीं करेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप लगे तर्क कर देना, छोड़ देना, आपका मकसद है उसको फिर भी ढान के रखना, ऐसे नहीं कि थोड़ा डिसहार्ट हो गए, डीमोटिवेशन अगर आपको मिली आप फेल होने से, तो उस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा दें, सर पर सवार कर लें, फिर अपने माइंड को डिस्टर्ब करें, आपकी वजह से आपकी फैमिली डिस्टर्ब, फैमिली के पूरा घर डिस्टर्ब, आपका फ्यूचर ही डिस्टर्ब हो जाए, कुछ इस तरह से आपको नहीं करना, आपको हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी है, एक्सपेक्ट्स द बेस्ट। हेयर इज सपोर्ट, लेकिन उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि हु इज आवर गाइड, हमारा गाइड कौन है, हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। चंद आपके इस तरह के दोस्त हैं जिनसे आपको पता है बातों के अलावा, पबजी के अलावा, फेसबुक के अलावा और इंस्टाग्राम के अलावा और इनके अलावा टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो कह रहा कि आपको वहाँ पर नहीं देना चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व टू देम, आप उनसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसे सपोर्टिंग फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स लाजमी नहीं इंसान हो, इंटरनेट भी आपका है, फेसबुक भी है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर हमारी स्टडी का मकसद है वो हम पूरा करें, इट डज नॉट मीन दैट वी टेक एन अदर एक्शंस, कि हम टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना सीखें। हेयर इज इनक्रेजमेंट, तो अपने फ्यूचर में जब आपने क्लियर गोल्स किए, उसके बाद फिर विजन होगा, उसके बाद इंस्पायरेशन होगी, और जब भी आपको डीमोटिवेशन मिलती है,
डीमोटिवेशन लफ्ज़ की मीनिंग होती है कि आप मायूस हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, फिर हम दिल छोटा करके बैठ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डीमोटिवेशन। तो कहता है कि जब आप जो इंस्पायरेशन है ना आपकी, जिनको देखकर आप कहते यार ये बंदा है और मुझे ऐसा ही बनना है, तो ऐसे लेक्चर्स सुना करें, ऐसे ऐसे लोगों से मिला करें आप जहां से आपको एनकरेजमेंट मिले, फाइन। एंड इंटरनिटी इट मीन्स दैट, जैसे यहां पे हमने बात की थी कि फोकस ऑन टीम वर्क इंटरेस्ट, तो यहां पर कह रहा है कि अगर मेरे पास स्टाफ है फॉर द 20 पीपल, क्या 20 लोगों का अगर मेरे पास स्टाफ है तो 20 को मुझे पता होना चाहिए उनको लेकर कैसे चलना है। ऐसे नहीं कि एक एक बात करे दूसरा दूसरी बात करे, इट शुड नॉट लाइक दैट। इंटरनिटी का मतलब होता है कि क्या एकती होनी चाहिए, इट देयर मस्ट बी दी कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन हमें होनी चाहिए। और स्टिमुलेटिंग वर्क, ये लफ्ज स्टिमुलेटिंग मीनिंग होती है कि उकसाना, उभारना, किसी चीज़ का शौक दिलाना। अब वो कैसे होता है, वो जाहिर सी बात है आपका काम ऐसा होगा, आपके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, जो यहाँ पर हमने बात की थी नीड्स एंड इंटरेस्ट की, ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो ऑब्वियसली योर टीम वर्क विल बी, और आपको इतना आसान करके देना है, आसान कर देना है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो काम करने में, फाइन। आफ्टर दिस, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट, सो इन दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट पेज नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 4.1 का एक पार्ट हमने किया है। अब इसके साथ जो रिमेनिंग है वो आपका असाइनमेंट होगा, जो उसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू डू दैट, और उसके अंदर स्पेशल उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि उसके अंदर एस्पेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं दैट आई वुड लव टू डिस्कस। उसमें चंद एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि एज ए ईमेल के तौर पर उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फॉर दैट कि ईमेल कैसे होती है, किस तरह से सेंड करते हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, आई एम गोइंग टेल यू राइट नाउ। सी, जैसे कि हमारे पास ये प्री रीडिंग लिखी हुई है, प्री रीडिंग का मतलब क्या होगा कि विजनरी इज़ अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट और प्लान फ्यूचर द इमेजिनेशन और विजडम, कि वही सेम बात जो मैंने अभी आपको समझाई है वही सेम बात कर रहा है कि भाई प्री रीडिंग का मतलब होता है कि आप पहले से फ्यूचर की प्री प्लानिंग कर लें, उसको इमेजिनेशन कर लें कैसे होगा, किस तरह से होगा। और अब यहाँ पर यूँ कह रहा है कि ये आपने सिंपल समझ लिया, उसके बाद समझने के बाद यहाँ पे कहता है कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसके अंदर क्या कहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या करता है कि फिल द फर्स्ट 2 कॉलम्स फॉलोइंग टेबल अबाउट कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल, आफ्टर यू फिल 2 कॉलम्स विद शेयर ऑफ योर पार्टनर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर व्हाट आई थिंक आई नो, कह रहा है आपकी नॉलेज में क्या है, जितना भी आपको पता है, किसके बारे में पता है, अल्लामा इकबाल के बारे में और कायद आज़म के बारे में, वो यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आप शेयर करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट आई वांट टू नो, और मैं जितना आपको पता है वो आपने यहाँ पे लिखा, लेकिन मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में वो इस कॉलम के अंदर आप लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट आई लर्नड, अब आपको उस ये उन अल्लामा इकबाल और कायद आज़म को पढ़ने के बाद आपको सीखने को क्या मिला वो आप कॉलम नंबर 3 के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रीडिंग टेक्स्ट, रीडिंग टेक्स्ट का यहाँ पे कह रहा है कि अ ग्रेट विजनरीज, अब यहाँ पे ये अल्लामा इकबाल के बारे में और कायद आज़म के बारे में लिखा हुआ है, ये आप रीड करेंगे यहाँ पर, ये आपका असाइनमेंट है जो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आप इसको फिल आउट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 4.1 ही है जो हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब ये है तरीक़ेकार के ईमेल हम सेंड कैसे करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या लिख दिया हमारे पास 2, तो 2 हम 2 का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को हम सेंड करेंगे तो उसकी जगह 2 की जगह उनका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है हुमा लतीफ़ @gmail.com। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसने हमें जीमेल दे दिए कि भाई मैंने हुमा को सेंड किया, किसको किया, लुबना को सेंड किया है और फरहीन को सेंड किया है, और सेंड करने वाला कौन है, फ्राम की मीनिंग होगी कि जो बंदा कर रहा है। अब करने वाला कौन है, ताहिर ब्यूटी, ताहिर भाई हैं जिन्होंने सेंड किया है ईमेल। अच्छा, सब्जेक्ट में यहाँ पर मतलब ये होगा कि कायद आज़म, क्योंकि आपका अब जो है
ताहिर भाई है, ताहिर भाई ने किसके बारे में पढ़ा, कायद आज़म के बारे में पढ़ा, तो वो उसने यहाँ पर डियर हुमा लिखकर नीचे से ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए कि हेयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आई हैव फाउंड दैट कायद आज़म, कायद आज़म की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में क्या ताहिर भाई ने पढ़ा, उसने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसको पढ़ेंगे, फाइन। आफ्टर दिस अब यहाँ पर क्या है कि ताहिर क्या करता है, ताहिर को सेंड किया जाता है, लुबना को सेंड किया जाता है ईमेल, और फिर किसको, फरहीन को, किसने किया, अब हुमा ने किया। हुमा का टॉपिक क्या है, कायदे आज़म, उसने भी कायदे आज़म के ऊपर पढ़ा है, अब उसने ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है इसे कि ये कैसे हुआ इस तरीके से, फाइन। आफ्टर दिस अब यहाँ में क्या, हुमा है, हुमा को सेंड किया गया, लुबना को सेंड किया गया, और ताहिर को किया गया, किसने किया, फरहीन ने किया। अब सब्जेक्ट क्या है, वही कायदे आज़म, तीनों का टॉपिक एक ही है, कायदे आज़म। अब उसने क्या पढ़ा, कायदे आज़म के बारे उसने यहाँ पर हमारे पास मेंशन कर दिया, तो अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास आ गया कि हुमा, लतीफ़ और लुबना सर्किल, लुबना आ गया, फरहीन आ गई, किसने किया, ताहिर ने किया, सब्जेक्ट के बारे में। तो अब ये उसने क्या पढ़ा है कि थैंक यू हुमा, आई अग्रीड विथ यू। अब ये उसे रिप्लाई किया है, किसने रिप्लाई किया, ताहिर भाई ने, किसको रिप्लाई किया, हुमा को किया कि थैंक यू, आई अग्रीड विथ यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, जो आपने लिखा, जो आपने पढ़ा, जो आपने मुझे सेंड किया। नाउ हेयर इज़ सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, और अब उसके बारे में मुझे और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लगी मिली है, क्या है, पोलिटिकल एक्यूमिन हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, अब उसके बारे में इसने बता दिया। उसके बाद फिर से क्या है, अब लुबना क्या करती है कि लुबना भी वही सा थैंक यू फरहीन, अब जिसको ईमेल सेंड किया, तो अब वो सारे ईमेल्स के रिप्लाइज आ गए हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फाइन। अब आप लोग भी क्या करेंगे इसके अंदर, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी ईमेल हो गया, अब इस सारे ईमेल्स को आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद फिर आपका टास्क असाइनमेंट है जो आप करके आएँगे कि मैं आपका ग्रुप बना दूँगा, कि चार चार या तीन तीन स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर फिर आप एक दूसरे को असाइनमेंट सेंड करोगे, ईमेल सेंड करोगे, वो ईमेल आपको मैं अपनी भी ईमेल सेंड करूंगा, फिर वो जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, जो भी असाइनमेंट के अंदर होगा, वो सारा आप हमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों कॉपीज़ के अंदर आप हमें जमा करवाएँगे। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है सारा इसी पर डिपेंड करता है। आफ्टर दिस वाइल रीडिंग, अब कह रहा है वाइल रीडिंग के अंदर हमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल गिवन इन टास्क नंबर टू प्री रीडिंग सेक्शन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट एंड शेयर योर टेबल विथ योर पार्टनर। और जो यहाँ पर पीछे हमारे पास था, ये जो था, अब हर एक को अपने बुक में फिल आउट करना है, ये सारे पढ़ने के बाद कि आपको सीखने को क्या मिला, आपको पहले पास कितनी नॉलेज थी, अब आप जानना क्या चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल आउट करेंगे। उसके बाद कहता है, अब मैंने आपके तीन या चार स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए, उस ग्रुप्स से आप शेयर करेंगे, यार मैंने ये पढ़ा, मैंने ये चीज़ की। एक्सरसाइज नंबर टू, कहने का रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे यही टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स पर ये जो भी दिया गया था, यही सारे इनके यहाँ पर लिखे हुए, सारे ये आप सारे पढ़ कर आएंगे और इसको आप असाइनमेंट के तौर पर हमें सबमिट करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यही असाइनमेंट्स आपको मुझे प्रीपेयर करके दिखानी है, जैसे इस बुक के अंदर है एग्जांपल आपके सामने है, इसी तरह से आप हमें, और यही आपके टॉपिक्स हैं, आपने यहाँ से पढ़ना है, फिर नेट से भी पढ़ेंगे आप, और ये इस टॉपिक के बारे में एक असाइनमेंट हमें तैयार करके देंगे आप, फाइन। दिस वॉज ऑल अबाउट 4.1, ये 4.1 आपका है, और उसके अंदर मज़ीद ये यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 4 क्या है, किस तरह से, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।